पूर्वांचल की सियासी रणभूमि में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें जरायम की दुनिया का सरगना माना जाता है। अंतिम चरण में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद करीब एक दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। पूर्वांचल में अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाने के लिए बसपा ने ऐसे सबसे दबंग प्रत्याशी उतारे हैं जिनके दबदबे से जनता हिल जाती है। पूर्वांचल की जंग जीतने में जुटे अपराधी, बसपा 45% अपराधी। बसपा गंभीर आरोपियों को टिकट देने में भी सबसे आगे रही। भाजपा 41% अपराधी, सपा 41% अपराधी, कांग्रेस 21% अपराधी। हमेशा से ही सपा पर गुंडा राज का दाग लगा रहा है। सपा की छवि प्रदेश में माफियाओं वाली सरकार से ही जानी जाती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी में पार्टी के मुखिया बदले तो मानो पार्टी की तस्वीर बदल गई और कई बाहुबलियों और दागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन हमेशा से ही समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी में दागियों की लड़ी लगा दी। आइए परिचय कराते हैं उन चेहरों से जिन पर बसपा मुखिया ने अपना भरोसा जताया है। मुख्तार अंसारी नाम से काम से सब वाकिफ हैं। 5 बार से विधायक मुख्तार इस बार बसपा के टिकट पर अपने दबंग डंके को पीटने में जुटे हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। हत्या अपहरण जैसे दर्जनों मामले पूर्वांचल की हवाओं में कुख्यात मुख्तार अंसारी की पहचान बने हुए हैं। श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत, बसपा से MLC रहे विनीत भी चंदौली की सैयद राजा से बसपा के उम्मीदवार हैं। इनके ऊपर भी कम अपराधों की संख्या नहीं है। श्याम नारायण के ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट समेत झारखंड में अपहरण के मामले दर्ज हैं। विनीत फिलहाल रांची जेल में बंद है। उपेंद्र सिंह भी बसपा के टिकट पर चंदौली की सकलडीहा सीट से ताल ठोक रहे हैं। उपेंद्र सिंह का परिचय दें तो ये माफिया डॉन से माननीय बने ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते हैं। उपेंद्र सिंह पर हत्या, हत्या के प्रयास और जान से मारने जैसे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। लगभग दर्जनों मुकदमे से लदे उपेंद्र सिंह पर माया का भरोसा टिका है। जितेंद्र सिंह को बसपा ने फैजाबाद के बीकापुर सीट से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया। जितेंद्र सिंह बबलू पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण समेत एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। अतुल माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी का नजदीकी माना जाता है। उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर समेत आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बसपा ने अतुल को गाजीपुर के जमानिया से प्रत्याशी बनाया है। इन चेहरों को देख साफ है कि मायावती आज जब चुनावी रैलियों में चीख चीख कर विरोधियों पर गुंडा राज का दाग लगाती हैं और ये दावा करती हैं कि वो सुशासन लाएंगी तो शक होता है, क्योंकि उनकी पार्टी के विचार हर 5 साल में बदल जाते हैं और बदल जाते हैं नारे। मायावती की सियासत के फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको बसपाइयों के वो नारे याद आएंगे जब वो कहते थे कि तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार। इसके बाद बसपा का सियासत की धूल चाटने के बाद अचानक हृदय परिवर्तन हो गया और फिर नारा हुआ हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा दलित को साधते हुए कभी बसपा का हाथी सियासी गलियारों में मिला करता था, वहीं अब सोशल इंजीनियरिंग की आड़ में मुसलमानों पर नजरें इनायत कर लगभग सैकड़ों टिकट बांटते दिखे। राजनीतिक जानकारों की माने तो मायावती राजनीति की सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से परहेज नहीं करती। अपराधियों को जोड़ अपराध खत्म करने का दम भरने वाली बातें जब बसपा सुप्रीमो करेंगी तो विपक्षियों का BSP के चल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाना लाजमी है। गुंडा राज को खत्म करने की बात करने वाली, अपनी शासन की याद दिलाने वाली और नारों में चीख चीख के चिल्लाने वाली मायावती की पार्टी जब कहती थी चल गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, तब जनता को लगता था कि बहन जी में दम है और वो ही माफियाओं और जरायम की दुनिया के भाइयों से निजात दिलाएंगी। पर जनता को क्या मालूम था कि उनकी बहन मायावती अपनी सियासत को चमकाने के लिए कभी BJP के नेताओं को राखी बांधती हैं जिन्हें आज वो चिल्ला चिल्ला के कोस रही हैं। जनता को ये भी कहां मालूम था कि बहन अब जरायम के भाइयों को अपने दल का बाहुबली सिपाही भी बना देंगी। यूपी की सियासत में वैसे ही सब कुछ जायज है जैसे मोहब्बत और जंग में। बसपा जब विपक्ष में बैठती है तो कहती है चड़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर,
लेकिन जब सत्ता की चाबी हासिल करने की बात आती है तो बसपा का हाथ ही उन्हीं गुंडों को अपनी छाती पर बैठा लेता है और सूबे की राजनीति की बहन कुमारी मायावती उन्हीं जरायम के गुंडों के साथ हाथ मिला लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश तिवारी के साथ अभिषेक मिश्रा, लाइव टुडे, लखनऊ।